हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैटापुरी एरिया मैंने आपको दिखा दिया है। अभी हम आ चुके हैं टी प्लांटेशन में। आप देख सकते हो इधर ग्रीन ग्रीन है, सामने सब टी प्लांटेशन है। तो अभी हम जा रहे हैं फैक्ट्री विजिट करने, जिसका नाम है रिपल टी फैक्ट्री। ये बहुत ही पुरानी फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि टी प्रोसेस कैसे होता है। तो पूरे अगर केरला में मुन्नार में आप देखोगे तो पूरा टी प्लांटेशन है। चलते फैक्ट्री के अंदर। Every 7 days, actually. In off season, every 15 days. But simply making full-grown tea. White tea, green tea, all the rose black tea, CTC black tea, simply. But processing is good. Only the top bud. It's only small bud, only healthy bud, only have plugging sunlight dry. They call white tea. The white tea means more antioxidant value, more than isn't value. But white tea is much 50,000, 10,000 to 50,000. But why we know in the market, what is less production? But why we put on hot coal, anti cancer, otherwise immunity power high, and it's fitness is good for it. Why we after breakfast, a 3 hour over, direct to all. But why we know in the market, why is less production? तो जो अपनी टी लीव ऊपर से गिर रही थी उसको हमने डाल दिया रोटर वेन में। अब रोटर वेन से टी लीव जो है ग्राइंड होकर बाहर निकले। तो ये अंकल जो आपको दिखाएंगे कि ग्राइंड होने के बाद ये कैसे दिखते हैं, इन्होंने हाथ में ले लिया। अभी ये आगे आगे जाएगी, चार CTC सेंटर है जहाँ से ये पास होकर कंवेयर बेल्ट से जाएगी ऊपर, ऊपर से जाएगी और यहाँ से वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें फाइनली टी मिल जाएगी। तो अभी आप देख सकते हो कि ये पूरा ग्राइंड होकर ये कंवेयर बेल्ट है, कंवेयर बेल्ट से आगे जाएगी और CTC मशीन लगी है जो 1, 2, 3, 4 लेवल आप देख सकते हो लगे हैं। और ये पूरा जाएगा आगे आगे ग्राइंड होते होते बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स में हो जाएगा। तो अभी ये आगे जा रहा है, अंकल सेट कर रहे हैं सारे CTC कन्वेयर पे कि फर्स्ट CTC सेट हो गया, सेकंड, देन थर्ड, देन ये कन्वेयर ऊपर आप देखो सामने से जाएगा सीधा एक्सट्रैक्टर पे। वहाँ पे जितने मॉइस्चर होगा सब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और उसके बाद जो आपको मिलेगा बिल्कुल ड्राई और प्योर कह सकते हो टी मिल जाएगी। तो अभी देखते हैं हम पूरा प्रोसेस कैसे होता है। ये CTC कट है, सेकंड लेवल, देन थर्ड लेवल, देन फोर्थ लेवल, देन कन्वेयर से आगे जाएगा। अभी मैं अंकल को बोलता हूँ, एक बार आपको दिखाएगी ग्राइंड होने के पास कैसा दिखता है। अभी अंकल सैंपल लेके आ रहे हैं, आपको दिखाता हूँ ये चारों CTC से पास होने के बाद ग्राइंड होने के पास कैसा दिखता है। आप देख सकते हो टी लीव से ये पूरा पाउडर फॉर्म में बन चुका है, लेकिन ये अभी क्या इसमें मॉइस्चर अवेलेबल है। तो अभी जो मॉइस्चर को निकालने के लिए फाइबर एक्सट्रैक्टर लगा है, यहाँ से जितना भी होगा मॉइस्चर निकल जाएगा और उसके बाद हमारे पास जो टी मिलती है, जैसे आप देखते हो आपके जो ट्रेडिशनल में होता है मार्केट में आता है वैसा टी देगा। अब इस टी को पूरा वाइब्रेशन से जो पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग हर बकेट में कलेक्ट कर रहे हैं ताकि ये साइज़ के अकॉर्डिंग ये कलेक्ट हो जाए, उसके अकॉर्डिंग पैकिंग होगी। तो ये पूरी टी फैक्ट्री जैसा कि आप देख सकते हो। तो अभी मैंने आपको टी फैक्ट्री दिखा दी है, तो एक काम करते हैं चलते हैं सीधा बाहर और आपको पूरा टी प्लांटेशन दिखाते हैं। तो अभी आप देख सकते हो ये टी प्लांटेशन एरिया है, यहाँ पे टीज है। तो आप जानते हो जैसा कि टी के प्लांटेशन में हमेशा ऊपर की लीव्स कट की जाती है। तो अभी सब यहाँ फोटो शूट कर रहे हैं टी प्लांटेशन में, जो कि यहाँ का नॉर्मल है। तो अभी ये सब फोटो शूट होगा और लोग यहाँ पे फोटो शूट करने ही आते हैं मेनली टी प्लांटेशन में। और यही टी लीव्स यूज होती है जो आप टी अपने घर में यूज करते हैं। तो ये आप कह सकते हो इनिशियल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट आपके घरों में। तो अभी आप दिखा सकता हूँ मैं कैसा है। और ये एक हैंगिंग ब्रिज बना रखा है जस्ट फॉर फोटो शूट। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए।